जो कल हमने नाहम का काम किया था वो थर्ड डे का आज हम काम शुरू करेंगे, क्योंकि कल हमने डे वन और डे टू का काम आपको दिया। उसके बाद हम आज डे थ्री का काम स्टार्ट करेंगे। तशरीन इसमें करवाएंगे आपको। जो क्वेश्चन नंबर 5 है बुक में, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, तशरीह शायर और नज़म का हवाला देते हुए मंदरजा ज़ैल अशआर की तशरीह कीजिए। नंबर 1, बाकी है बस वही रब, फ़ानी है मा सवा सब। सबसे पहला ये जो पहला शेर है इसकी तशरीह हम लिखेंगे, हवाला लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम लिखेंगे तशरीह। हवाला है, मंदरजा बाला शेर नज़म हम्द से लिया गया है, इसके शायर अल्लामा राशिदुल खैरी हैं। ठीक है, अब आप ये यहाँ से हवाला लिखेंगे, उसके बाद फिर आप तशरीह लिखेंगे। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की सफ़ात कमाल का जिक्र करते हुए कहते हैं कि इस दुनिया की हर शय ख़त्म होने वाली है, मगर अल्लाह की ज़ात वाहिद वो हस्ती है जो कभी ख़त्म नहीं होगी, वो अज़ल से है और अबद तक रहेगा। तशरीह नंबर 1 आपने सुनी और इसको अब आप कीजिएगा। उसके बाद हम तशरीह नंबर 2 करेंगे। हर चीज़ में नेहा है, हर चीज़ से आया है। अब ये नेहा और आया, नेहा का मतलब छुपा हुआ और आया का मतलब ज़ाहिर, आपको ये मालूम होना चाहिए। हम का अब सबसे पहले हवाला तो आपने लिखा एक दफ़ा, जो तीनों अशआर आप लिखेंगे उसमें हवाला जो है वो एक ही दफ़ा लिखा जाएगा, बार बार हवाला लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें सबसे पहले शायराना खूबी की हेडिंग डालिए, शायराना खूबी लिखेंगे, उसके बाद हम्द का मतला है। ये जो है ये हम्द का मतला है नेहा और आया, जिसकी वजह से सिफात तजाद पैदा होता है। मतला जो है वो मतला जो है वो गज़ल और कसीदे के शुरू का शेर है, जिसके दोनों मिसरों में काफिया होते हैं, जिसके दोनों मिसरों में काफिया इस्तेमाल किया जाता है। काफिया जो है वो रदीफ से पहले का एक लफ्ज़ कहलाता है, और रदीफ़ वो लफ्ज़ है जो किसी गज़ल या कसीदे वग़ैरह में गज़ल या कसीदे के आखिरी मिसरों में काफिया के पीछे बार बार आता है, ये बारहा नुमाया होता है, लिखा जाता है। अच्छा, अब आप यहाँ तशरीह नंबर 2 की हेडिंग डालें। तशरीह नंबर 2, मंदरजा बाला शेर में शायर अल्लाह ताला की दो अहम सिफात बयान कर रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि हम अपनी ज़ाहरी आँखों से अल्लाह ताला को नहीं देख सकते, लेकिन इस कायनात में ज़ाहरी और मख्फी ऐसी अनगिनत निशानियाँ हैं जिनको देखकर अल्लाह के वजूद और इसकी हाकमियत का यकीन होता है। ज़ाहरी तो आपको पता है कि हमने जो अभी आपको बताया नेहा का मतलब, नेहा आया का मतलब ज़ाहिर, और नेहा का मतलब छुपा हुआ या मख्फी, नज़रों से ओझल। तो ये तशरीह मैंने आपको बताई, इसको आप अपनी कॉपी पे कंप्लीट कीजिए। उसके बाद तशरीह नंबर 3 है, तौसीफ़ उस खुदा की क्या लिखे मुश्तखा की, तौसीफ़ उस खुदा की क्या लिखे मुश्तखा की। मुश्तखा की का मतलब मुट्ठी भर मिट्टी, एक खाक, मुट्ठी भर खाक या मिट्टी को कह सकते हैं आप। अच्छा, शायर इस शेर में फरमा रहे हैं कि इंसान जो मिट्टी का पुतला है, क्योंकि सबको हमको अल्लाह ताला ने मिट्टी से बनाया है, हम मिट्टी से बने हुए हैं, मिट्टी के पुतले हैं, अल्लाह ताला ने उसे बनाकर अक्ल दी, ताकि क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को बनाकर अक्ल दी है ताकि वो इस दुनिया से फ़ायदा हासिल कर सके। अल्लाह तबारक व ताला की खूबियाँ इसकी महदूद अक्ल के दायरे में समा ही नहीं सकती, इसलिए वो इसकी तारीफ ऐसी कर ही नहीं सकता जिसका हकदार वो अजमत व बुलंदी वाला रब है। एक मुट्ठी खाक के पुतले की बिसात ही नहीं कि वो अल्लाह ताला की ज़ात सिफात को कलमबंद कर सके। अच्छा, ये आपकी तशरी जो है वो कंप्लीट हो गई, तशरी नंबर 1, 2 एंड 3। उसके बाद आप सरगर्मी को देखिए कि सरगर्मी जो आपकी बुक में दी हुई है, लेकिन उसमें अस्माए हसना लिखना है, लेकिन मैं आपको सरगर्मी जो है वो थोड़ी सी अलग दे रही हूँ, क्योंकि अस्माए हसना आप इस्लामियात वगैरह में, इस्लामियात के सब्जेक्ट में याद करते रहते हैं, तो अपनी पसंद, अब ये सरगर्मी थोड़ी सी हटके दे दूँगी मैं आपको। अपनी पसंद के कम अज़ कम 3 अशार खुश खत लिखिए, इसी हम में से लिखिए या किसी और बुक की हम को देख लें उसमें से लिख लीजिए, तो हम में से लिखिए। और उसके साथ समंदर, दरिया,
सहरा और मैदानों की तस्वीर चस्पा कीजिए। तस्वीर बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, चस्पा करें अगर आप बना सकते हैं बहुत अच्छी अच्छा कलरफुल तो आप बना लीजिए, या फिर उसको आप कहीं से स्टिकर शीट या कोई और चीज़ लेकर चस्पा करें कॉपी के ऊपर। ये आपका 3 डे का काम है, ये आपका काम